सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज पहला व्लॉग है, तो मैं जल्दी उठ गया। अभी तो हाल पहले नहा लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। सो अभी गाइस मैंने नहा लिया है और डीजल लेने जाना है, तो चलिए। और अभी 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 पापा इसलिए बोल रहे हैं कि अभी ट्रैफिक भी नहीं होगा और कोई ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं होगी, तो इसलिए अभी ही चलते हैं, तो टाइम भी बचेगा और जल्दी आ जाऊँगा। अभी भी दो गाड़ी खड़ी है गाइस, तो देख सकते हो कितना होगा अगर मैं दोपहर में आऊँ या कोई नहीं। अभी पूरा शहर खुलना बाकी है, इधर भी कोई नहीं है, ज़्यादा कोई नहीं है, कोई दुकानें नहीं खुली अभी तक। तो अभी हमारी बारी आ गई है, तो हम चलते हैं। घर पे पहुंच गए। सो अभी मैं डीजल लेके आ गया हूँ, तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में चाय और खाखरा, तो चलिए खाते हैं। सो अभी गाइस भगवान को थैंक यू कह लेते हैं अच्छी सुबह के लिए, प्रे कर लेते हैं पहले। सो अभी मैं मम्मी के लिए मूंगफली के दाने सेक रहा हूँ। आज 11 से लगभग, तो इसलिए सो अभी ये पूरे हो गए, तो अब मैं बंद कर देता हूँ।
और तरकारी तो अभी मैं अपने रूम में चलता हूँ, स्पीकर को बंद कर देता हूँ पहले, उसके बाद चार्जर माउस लैपटॉप लेके ऊपर चलता हूँ, अपने रूम में चलता हूँ। देखते हैं कुछ बुक्स बुक पढ़ते हैं। देखिए मेरे पास ये तीन बुक्स है, पहली है मेरे महाराणा प्रताप की, दूसरी है भगवद गीता और तीसरी चाणक्य नीति। ये मैं इंग्लिश सीखने के लिए लाया था, इंग्लिश पढ़ने के लिए, पूरी इंग्लिश में। ये हिंदी में और ये भी इंग्लिश में ही है। वैसे मेरे पास एक हिंदी में भी है, कभी सुनाऊंगा आपको। तो अभी यही पढ़ते हैं, चलो। तो अभी गाइस मैं ये महाराणा प्रताप वाली बुक पढ़ रहा था, दिखा था वो आपको। ये मेवाड़ ट्रेडिशन है और करीब 400 ईयर्स अगो की सब बात हो रही है, मुगल कैसे आए भारत में और अकबर ने कैसे सब चित्तौड़ पे किया था और किस तरह से बप्पा रावल ने 1734 AD में चित्तौड़ की स्थापना की और सब आगे राणा कुंभा कैसे महान योद्धा जिसने कुंभलगढ़ बनवाया और रानी पद्मिनी ने कैसे जौहर किया था, ये सब कुछ इसमें दिया है। और आपने अगर मेरी हल्दीघाटी वाली वीडियो नहीं देखी तो इधर कहीं दिख रही होगी तो देख लेना, क्योंकि उसमें सब सारी जानकारी है और कभी टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। सो अभी मैं दो तीन घंटे से बुक पढ़ रहा था गाइस, तो अभी मेरा मूवी देखने का मन हो रहा है, तो कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। आप भी कमेंट में मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, कोई अच्छी सी हिस्टोरिकल मूवी हो तो आप मेरे को बताना। अभी तो मैं इनमें से कोई एक देख रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने अमेजोन प्राइम खोल दिया है तो इनमें से कोई एक देख रहा हूँ। मेरे को ना ज़्यादा हिस्टोरिकल मूवी हो ना तो ही पसंद आती है, वरना मैं कोई ख़ास मूवी देखता भी नहीं हूँ। ये राम सेतु अच्छी है लेकिन इसमें तो रेंट दिखा रहा है। सो अभी का सीन ये है कि गाइस अभी बाहर जाने का प्रोग्राम हुआ है तो मैंने जैकेट डाल दिया है क्योंकि ठंड बहुत होगी अभी, इसलिए। तो चलिए चलते हैं। किसी का बर्थडे है तो चॉकलेट लेने गए हैं और साथ में वो मिठाई भी लेने गए हैं। तो इस तरफ कौन कॉल था तुम्हें? अभी गाइस मैं बाहर से आ गया हूँ और अभी मैं गीता पढ़ रहा था। आज गीता दिवस है तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी गीता दिवस। और अभी मैं मन में ख्याल आया कि मैं ब्लॉग तो बना रहा हूँ लेकिन व्यू नहीं आए तो सब्सक्राइबर नहीं आए तो ऐसे ऐसे सवाल आ रहे थे, तो मैंने गीता पढ़ना चालू किया। तो उसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो उससे बड़ी इंस्पिरेशन हुई तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी गीता पढ़े और ये अच्छी बेनिफिट है। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को लेके सबको देख लीजिए, हर कोई गीता के बारे में बोलेगा ही आपको कि आप गीता पढ़े और सीखे गीता, क्योंकि गीता में सब कुछ है, लाइफ कैसे जिए सब कुछ। गीता आपको फ्री में चाहिए तो गूगल पे गीता.com या इस्कॉन
टेम्पल करके है एक वेबसाइट जो फ्री में गीता बेचते हैं। मैंने भी वही से ही फ्री में गीता मंगाई थी, तो आप भी जरूर ट्राई करना। सो अभी गाइज मैं एडिटिंग कर रहा था आज का ब्लॉग, तो इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।